मैं बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू हिजाब व्लॉग। और आज मैं एक और व्लॉग के साथ आ गई हूँ। तो आज का व्लॉग थोड़ा मज़े का होने वाला है। आपने थंबनेल देख लिया होगा, मैं ब्यूटी टिप आपको देने वाली हूँ जो मेरी मम्मा की है, वो मुझे बना के देती है, मैं लगाती हूँ और मेरी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। तो आज मैं आपको वो बताऊँगी कि मेरी मम्मा कौन सी क्रीम मुझे बना के देती हैं और मैं वो लगाती हूँ और मेरी स्किन जिससे बहुत अच्छी हो जाती है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और आप इसे अगर एक महीना रेगुलर लगाएंगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी स्किन शाइनिंग हो जाएगी, आपकी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आएगा, रंग बिल्कुल साफ हो जाएगा आपका और सॉफ्ट बहुत हो जाएगी स्किन, जिसकी वजह से बहुत अच्छा आपका चेहरा दिखेगा। आप इसे मुंह पे भी लगा सकते हैं, पाँव पे, हाथों पे, बाजों पे, यहाँ पे लगा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है बहुत ही ईजी है, आपके घर में ये सामान होता ही होता है और इतना इजी सामान है ये आपके घर में अवेलेबल होता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है कि आपके पास सामान नहीं है या इस तरह, बहुत थोड़ा सा सामान है, सिर्फ चार चीज़ें हैं और बहुत ही इजी है। तो मैं आपको बताती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लगाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना सारा सामान सेट कर लिया, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये है वो सारा सामान, ये सिर्फ चार चीज़ें हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास है लेमन जूस, आप 1 टीस्पून जितना ले लें। और यहाँ पे है मेरे पास ये इवियन कैप्सूल, जो ये इस तरह के होते हैं, ये इवियन कैप्सूल है, मैंने 3 ले लिया। और यहाँ पे है मेरे पास एलोवेरा जेल, ठीक है, ये आप ले लें 1 टेबल स्पून जितनी ले लें आप ये। और यहाँ पे अब मेरे पास है क्रीम। अब अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर क्रीम नहीं है तो क्या करें, और ये क्रीम है जो ये वाली मेरी क्रीम है, ये बिल्कुल देखिए रॉ मिल्क की है, तो कच्चे दूध की ये क्रीम है। तो अगर आप लोगों के पास क्रीम नहीं है, अगर आप बाज़ार से लेना चाहते हैं, तो अगर आप बाज़ार से ना लें तो आप ये करें कि आप जैसे दूध बॉयल करते हैं उसके ऊपर जो मलाई आ जाती है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है क्रीम ही हो, लेकिन अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप उस मलाई को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जैसे दूध बॉयल करते हैं उसे ठंडा रखते हैं, ऊपर जो मलाई आ जाती है आप उसको ले लें, वो क्रीम की जगह भी बहुत अच्छा काम करेगी और मलाई भी आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट करेगी। ये अपना ये सारा सामान दिखाया, सिर्फ चार चीज़ें हैं। एलोवेरा भी हर घर में ही होती है, एलोवेरा का पौधा, अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है तो एलोवेरा का पौधा तो हर घर में ही होता है, उस एलोवेरा के पौधे से आप एलोवेरा ले लें, एलोवेरा जेल। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं इस क्रीम को तो वो भी आप बना सकते हैं, फिर उस हिसाब से आप एलोवेरा की क्वांटिटी भी बढ़ा दें, लेमन जूस बढ़ा दें, इस तरह से। तो अब मैं आपको इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके मिक्स करके दिखाती हूँ और वो आपको लगा के भी दिखाती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको इसका रिज़ल्ट। तो ये देखें, ये सारी जो क्रीम है ये सारा कुछ मैं अब आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैं एलोवेरा जेल के अंदर ये सारी क्रीम मैंने, ये देखें, एक स्पून ही ली थी, इस सारी क्रीम मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ये देखें, ये सारी क्रीम मैंने इसके अंदर डाल दी, ये लेमन जूस जो मैंने लिया था वो भी इसके अंदर हम डाल देंगे इस तरह से। और उसके बाद ये इवियन के जो कैप्सूल हैं 3, ये भी डाल देंगे। ये देखें, ऐसे सारे कैप्सूल डाल देंगे और चिखा देते हैं। अब मैं इसको आपको मिक्स करके दिखाती हूँ, तो आराम आराम से हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी फिर मैं आपको इसको लगा के भी दिखाती हूँ। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं इसको। ये देखें, यहाँ पे ये सारी अच्छी तरह मिक्स हो गई है, ये देखें, ये बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स कर दिया मैंने इसको सारा, एलोवेरा जेल, लेमन जूस, इवियन, सब कुछ इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ, अपने हाथ पे। ये देखें, ऐसे मैंने ये थोड़ी सी ले ली, अब मैं इसको सारा लगाऊंगी, अच्छी तरह मैं इसको लगाऊंगी और थोड़ी देर तक ऐसे ही मैं इसको रब करती रहूंगी ताकि ये मेरी स्किन में अच्छी तरह चली जाए और स्किन के अंदर जाके ये मेरी स्किन को सॉफ्ट करे और स्किन के अंदर जो ग्लो है वो बाहर लाए। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ, आप इसको फेस पे भी लगा सकते हैं, पाँव पे लगा सकते हैं, हाथों पे लगा सकते हैं, आप इसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं।
आप एक महीना इसको लगाएं डेली, जब भी लगा लें रात को सोने से पहले आप इसको लगा लें। ये देखें ऐसे अच्छी तरह इसको लगाना है, रात को सोने से पहले आप इसको अच्छी तरह लगा लें पाँवों में, हाथों पे, मुंह पे, और सुबह उठें तो नॉर्मल पानी से आप मुंह धो लें और आप खुद देखेंगे कि 3-4 दिन बाद आपके फेस पे कितना ग्लो आएगा, आपकी स्किन कितनी साफ़ हो जाएगी, जो भी आपके स्किन पे दाने या कुछ भी इस तरह का निशान वो खुद ही ख़त्म होने लग जाएंगे। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखें, ये देखें ऐसे अच्छी तरह मैं इसको लगा रही हूँ। ये देखें, ये मेरी स्किन में आप जस्ट होती जा रही है, ठीक है। ये देखें अच्छी तरह, तो ये देखें ये मेरी स्किन में कैसे जस्ट हो गई है सारी, और ये देखें कैसे सारी की सारी मेरी स्किन में जस्ट हो गई है, और इतनी ये सॉफ्ट स्किन हो रही है मेरी। अभी मुझे फील होने लग गई है क्योंकि क्रीम जो है इसके अंदर तो वो काफ़ी स्किन को सॉफ्ट कर देती है। जैसे मैंने आपको भी पहले भी बताया कि अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप दूध जैसे बॉईल करते हैं तो आप उसको बॉईल कर लें, उसके ऊपर जो मलाई होगी आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है, आप मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें ये कैसे हो गई है। अब मैं इसको अभी जैसे मैंने 5 मिनट तक इसको लगाऊंगी और इसको आपको उतार के दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट। तो अब मैंने अपना हाथ धो लिया और आपको अब मैं इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये देखें कैसे ये कितना ही सॉफ्ट हो गया। आप बिफ़ोर एंड आफ्टर देखें, इस पर मैंने नहीं लगाया था, इस पर लगाया था। तो ये देखें कितना फ़र्क है और कितना ही ये सॉफ्ट हो गया, बिल्कुल ही ऐसे मेरे हाथ सॉफ्ट हो गए। ये देखें कितना, इस पर ड्राइनेस भी है लेकिन इस पर नहीं है। आपके हाथों की, आपकी स्किन की ड्राइनेस को भी ये ख़त्म करेगा। तो ये देखें कितना अच्छा लग रहा है और रंग भी ज़रूर साफ़ होगा। सिर्फ एक महीना आप इसको डेली लगा के सोएं, सोने से पहले लगा लें या जब भी आपके पास टाइम है आप इसको लगाएं, आप खुद देखेंगे आपकी स्किन पे ये कितना इफ़ेक्ट करेगा और आपकी स्किन कितनी ही अच्छी होगी। तो मैं तो इसको लगाती हूँ और अपनी स्किन को प्यारा बनाती हूँ, आप भी इसको ज़रूर लगाएं। और ये मेरी मम्मा का एक नुस्खा है, बड़ा मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँ। तो ज़रूर लगाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना रिज़ल्ट ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, आपकी स्किन की ड्राइनेस ख़त्म हुई है या नहीं। मुझे तो ये बहुत सूट करता है, आपको किया या नहीं वो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये था आज का व्लॉग, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें कि आपका रिज़ल्ट कैसा आया। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।